गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ नवीन कुमार। तो आज के लेक्चर का जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंट्रोल सर्किट फॉर क्रॉस रोड सिग्नल्स। बेसिकली आपके सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के सिलेबस ईडीडी सेकेंड और ईडीडी फर्स्ट का ये एक टॉपिक है, सब टॉपिक है। सो कुछ स्टूडेंट्स ने कल कहा इस पर सब थोड़ा रिव्यू करने के लिए, तो लेट्स सी। इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं बेसिकली तीन केसेस को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट केस मैं ऑलरेडी अपने एक लास्ट वीडियो में जिसमें टनल वायरिंग मैंने बताई थी उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ था, जिसमें रेड एंड ग्रीन दो बल्ब्स को एक साथ हम सिग्नल को ऑपरेट कर रहे थे। सो पहले हम उसका ओवरव्यू या उसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद लेट्स सी व्हाट केसेस टू एंड केस नंबर टू एंड केस नंबर थ्री आर। ओके, सो फर्स्ट केस इज दिस। ओके, सो इन दिस फर्स्ट केस एक आपके पास इस टाइप का मान लीजिए कोई चौराहा है जिसपे दो रोड आपकी क्रॉस कर रही हैं। दिस इज रोड ए एंड दिस इज रोड बी। रोड ए के जो आप इधर से पैसेंजर क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए सिग्नल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। रोड बी पे सिग्नल आपका यहाँ पे लगा हुआ है टू द लेफ्ट साइड। इस साइड से क्रॉस करने वाले रोड ए के लिए आपका यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है और इस साइड से क्रॉस करने वालों के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। चारों ही आपके जो सेट्स हैं उस पर आपका रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। दो रेड एक साथ जलेंगे और दो रेड ग्रीन एक साथ जलेंगे यूजिंग TDR। ये आपका फर्स्ट केस है। सपोज कर लेते हैं पहले आप रोड ए पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, रोड बी को ब्लॉक कर रहे हैं। सो अगर आप रोड ए पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो इस रोड पे यहाँ पे G4 ग्रीन सिग्नल देगा और यहाँ पे G2 ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है, क्योंकि ग्रीन सिग्नल से ये मूवमेंट इधर जाएगा और G2 से ये मूवमेंट इधर जाएगा। नाउ रोड बी जो है वो आपका कम्प्लीटली ब्लॉक है, तो इस रोड पर आपको R1 और G1 का रेड सिग्नल आएगा। लेट्स सी इसका अगर आप सर्किट डायग्राम देखें तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले आपने एक यहाँ पे NC स्विच ले लिया। इस NC स्विच इज फॉर बी और इस NC स्विच को कनेक्ट कर दिया एक TDR यानी टाइम डिले रिले से। TDR का फंक्शन होता है कि TDR जब आपकी एनर्जाइज होगी उसके बाद ऑपरेट होने में एक रीसेट जो टाइम आपने सेट किया होगा उसके बाद वो ऑपरेट होगी। तो जैसे ही आपने TDR को यहाँ पे NC स्विच से कनेक्ट किया, सिंस NC स्विच का मतलब ये शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से करंट आपकी आई और इस TDR को A को उसने एनर्जाइज किया। इसी NC स्विच से आपने एक NO स्विच आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। NO स्विच के NC स्विच आपने कनेक्ट किया है अगेन यहाँ पे, दिस NC स्विच इज A, ठीक है। अब इस A से आपने अपने चारों, मैंने पहले बोला कि लेट्स कि आपका मूवमेंट जो है वो रोड A पर है, तो रोड A के केस में आपका मूवमेंट अगर रोड ए पर है तो यहाँ पर आपका G4 और G2 विल बी ग्रीन एंड दिस R1 एंड R3 विल बी रेड। सो यहाँ पर अगर आपने चार बल्ब का कॉम्बिनेशन लिया है रेड ए के केस में तो R1 एंड R3 ये एक साथ जलेंगे और उसी के साथ आपका G2 और G4 जलेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सर्किट को ऐसे कनेक्ट किया यहाँ पर होगा क्या, TDR A जो है वो एनर्जाइज हुआ है। एनर्जाइज होने का मतलब है कि अब ये अपने जो लेट सी TDR के लिए 10 सेकंड का आपने टाइम लैग दिया है तो 10 सेकंड के बाद ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो जब आपका सर्किट कनेक्ट हुआ तो ये एनर्जाइज हुआ और उसी के साथ आपका, चूँकि ये आपका NC स्विच है तो आपकी ये चारों बल्ब ऑपरेट हो गए, ठीक है। 10 सेकंड के बाद होगा क्या, 10 सेकंड के बाद आपका TDR जो है वो एक्टिवेट होगा या ऑन होगा। तो उसके ऑन होते ही लेट्स सी सर्किट फर्स्ट, ये आपने एक NO स्विच दे दिया
और यहाँ पर एक दूसरा TDR दे दिया B, और इसी स्विच से आपने यहाँ पर अगेन चार बल्ब को A1, 2, 3 और 4 सेट्स ऑफ सिग्नल्स को आपने कनेक्ट कर दिया लाइक दिस और इनको आपने इससे ऐड कर दिया। नाउ सी द ऑपरेशन, सर्किट आपने कनेक्ट किया है, दिस इज योर NC स्विच, दिस इज NO स्विच एंड दिस इज NC स्विच। सबसे पहले आपकी जो करंट फ्लो करेगी वो इस NC स्विच के थ्रू होते हुए यहाँ से होते हुए जाएगी आपकी और इसको एनर्जाइज करेगी और देन इन सिग्नल्स को एनर्जाइज करेगी। तो इन सिग्नल्स को एनर्जाइज करने से आपका रोड ए का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। R1, R3 आपके रेड सिग्नल होंगे, तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है और यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मूवमेंट आपका क्या है, इस साइड पे है और इस साइड पे है। नाउ TDR 10 सेकंड के बाद जब ऑपरेट करेगा तो इसके ऑपरेट ऑन होते ही ये आपका जो NC स्विच था नॉर्मली ओपन, अब ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये सिग्नल टूट जाएगा, ये इधर खिसक जाएगा और ये सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। तो ये सारे बल्ब आपके जो हैं वो ऑफ कंडीशन में आ जाएंगे और इसके ऑन होते ही ये आपका अब शॉर्ट हो जाएगा। तो अब आपका जो सिग्नल होगा वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से स्टार्ट होने के बाद बी आपका एनर्जाइज होगा और कॉन्सिक्वेंटली ये आपके मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा रोड बी पे। रोड बी पे मूवमेंट का मीन्स दिस R2 एंड R4 जो रेड सिग्नल हैं वो ऑन हो जाएंगे एंड G1 G3 पे मूवमेंट हो जाएगा। सो R2, दिस इज R2 ये और दिस इज R4, ये ब्लॉक हो जाएगा इस केस में और G1 और G3 पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका रोड बी पे मूवमेंट के लिए है, ये आपका रोड ए पे मूवमेंट के लिए है। नाउ नेक्स्ट केस में जैसे ही आपका बी एक्टिवेट हो गया 10 सेकंड के बाद, तो एक्टिवेट होने के बाद इस सिग्नल को ब्रेक करेगा, दिस इसको आपको ऑफ कर देगा और आपका पूरा मूवमेंट, पूरा ये सर्किट जो है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर केस फर्स्ट, जिसमें आपने रेड और ग्रीन के 4 सेट्स यूज किए चारों आपके कॉर्नर पे, और इसमें एक आपने TDR स्विचेस का यूज किया, TDR डिले के साथ आपने इसको ऑपरेट कराया। केस टू डिस्कस करते हैं, और केस व्हाट इज केस टू इज, फर्स्ट लेट सी दिस इज योर केस टू। तो इस केस टू में आप एक सिंपल सिग्नल सर्किट का, जिसको आप कह सकते हैं सिक्वेंशियल सर्किट का यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट्स हैं वो ऐसे हैं कि पहले रेड, देन येलो, देन ग्रीन, देन अगेन येलो एंड रेड। इस सीक्वेंस से आपकी लाइट जलेगी। लेट सी, हम एक ही सिग्नल की बात कर रहे हैं, एक ही सिग्नल पे काम कर रहे हैं। तो इसके सर्किट को अगर आप देखिए, तो इसके सर्किट में अगेन लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द सर्किट। दिस इज योर NC सर्किट फॉर डी। व्हाई इट इज फॉर डी विल सी इन सेगमेंट। दिस इज अ TDR A, ओके। सो दिस इज योर TDR A, दिस इज NC सर्किट फॉर डी। इस NC सर्किट से ही आपने एक कनेक्ट किया हुआ है अगेन NC सर्किट फॉर A, दिस NC सर्किट फॉर A, और इस NC सर्किट से आपने एक कनेक्शन दिया हुआ है बल्ब को रेड को। दिस इज योर रेड बल्ब, ठीक है। एक यहाँ पर आपने NO सर्किट दिया हुआ है, NO सर्किट दिया हुआ है फॉर A, ठीक है। इस NO सर्किट से आपने TDR कनेक्ट किया हुआ है, लेट इट इज B, ठीक है। नाउ इस NO सर्किट के बॉटम टर्मिनल से एक आपने कंट्रोल सर्किट कनेक्ट किया हुआ, दिस इज NC सर्किट फॉर B। मैं इसका पूरा ऑपरेशन एक साथ आपको क्लियर कर दूंगा, और वहां से आपने एक बल्ब कनेक्ट किया है येलो, दिस इज येलो बल्ब, ठीक है। इसके अपर टर्मिनल से आपने एक सर्किट
कॉन्टेक्टर या रिले यूज़ किया हुआ है, दिस इज योर एनो फॉर सी, ठीक है, और इसके टर्मिनल से लेट सी, ये यहाँ से एक कॉन्टेक्टर यहाँ पे आपने दिया है, दिस इज अगेन एनो फॉर बी, और इसको और इसको हमने शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हमने एक दूसरा TDR दिया है, लेट इट इज डी, and NC switch is there for B, इस NC switch से आपने एक TDR दिया हुआ C, this is C, इससे आपने दूसरा बल्ब कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। नाउ सी, लेट सी व्हाट इज गोइंग टू देयर। नाउ इन दैट केस, सबसे पहले आपने सर्किट कनेक्ट किया डी, ये आपका एनसी स्विच है, तो आपका जो सर्किट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले आपका ए एनर्जाइज हुआ, ए एनर्जाइज होने के साथ साथ आपका रेड सिग्नल ऑपरेट हुआ, ठीक है, रेड सिग्नल आपका ऑन हो गया। जैसे ही अपने टाइम लैग 10 सेकेंड के बाद आपका ए एक्टिवेट होगा, ए एक्टिवेट होते ही ये आपका ये आपका ओपन हो जाएगा, तो रेड आपका ऑफ हो जाएगा, और ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, तो इसके शॉर्ट होते ही सबसे पहले बी एनर्जाइज हुआ एंड देन येलो सिग्नल एनर्जाइज हुआ। पहले हमने रेड को ऑपरेट किया, अब येलो को ऑपरेट किया, तो जैसे रेड आपका बंद हो गया, TDR ए ऑन हुआ, ऑन होने के साथ ये आपका शॉर्ट हुआ और आपका सिग्नल जो है पहले बी को एनर्जाइज कर रहा है और कॉन्सिक्वेंटली येलो सर्किट में भी पाथ फ्लो कर रहा है, ठीक है, दिस इज बी, येलो सर्किट में भी फ्लो कर रहा है। अब जैसे ही आपने इसका TDR 10 सेकंड के बाद ऑन होगा, तो इसके TDR के ऑन होने की वजह से आपका ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, मतलब येलो सिग्नल आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हुआ तो येलो सिग्नल आपका टूट जाएगा और ये सर्किट आपका क्लोज हो जाएगा, मतलब ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, विल सी इट अगेन, TDR बी के 10 सेकंड के ऑपरेशन के बाद ये सर्किट आपका ऑन हो जाएगा, तो इस सर्किट के ऑन होने से ये आपका TDR सी जो है वो एनर्जाइज हो गया, और TDR सी के एनर्जाइज होने की वजह से आपका ग्रीन सिग्नल यहाँ पे ऑन हो गया, तो रेड येलो देन ग्रीन, ठीक है, अब ग्रीन सिग्नल ऑन हो गया। नाउ ये आपका NC है आपका सी का, अगेन वी हैव येलो कॉम्बिनेशन, तो जैसे ही आपका सी 10 सेकंड के बाद ऑपरेट हुआ, 10 सेकंड के बाद ऑपरेट होने के साथ साथ ये आपका ऑफ हो गया, तो ऑफ होने की वजह से ग्रीन आपका यहाँ से कट हो गया सर्किट से और ये आपका ऑन हो गया। सी पहले केस में आपने देखा था ये आपका ऑन था ऑलरेडी और ये नब अब ये आपका ऑन हो गया, तो इस केस में ऑन होने से अब आपकी जो करंट है वो यहाँ से आएगी और इसको एक्टिवेट करेगी और एक करंट आपकी यहाँ से जाएगी और येलो को एक्टिवेट करेगी, तो अब ग्रीन के बाद आपका येलो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, येलो स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे आपका डी 10 सेकंड के बाद ऑपरेट होगा या ऑन होगा, ये आपका सर्किट इसको क्लोज कर देगा, ठीक है, इसको क्लोज कर देगा या इसको ओपन कर देगा। नाउ नेक्स्ट केस में फिर से आपका सेम थिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इट मींस रेड येलो ग्रीन येलो एंड देन रेड, ये आपका पूरा सीक्वेंस जो है वो ऐसे चलता रहेगा और आपका जो सिग्नल जो आपकी सिचुएशन थी वो अचीव हो जाएगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस में आपका क्रॉसिंग ऑफ रोड से अगेन,
अब यहाँ पर जो आपके बल्ब के कॉम्बिनेशन है या सिग्नल के कॉम्बिनेशन है, दैट इज रेड येलो एंड ग्रीन. जो फर्स्ट केस था वहाँ पे आपने सिर्फ रेड और ग्रीन को डिस्कस किया था. नाउ इस केस में ऑल अप्रोचेस पे, जो आपके कॉर्नर्स अप्रोचेस हैं वहाँ पे आपके तीनों सेगमेंट या तीनों सिग्नल्स हैं. जैसे यहाँ पर आप देखिए, दिस इज रोड वन एंड दिस इज रोड टू. तो यहाँ पे R1 G1 Y1 Y1 है आपका यहाँ पर, और R2 G2 Y2 है यहाँ पर, R3 G3 Y3 आपका है इस साइड, एंड R4 G4 Y4 है आपका यहाँ पर. तो यहाँ पर आपको तीन कॉम्बिनेशन लेकर चलना है. तो अगर आप रोड वन पे मूवमेंट की बात करें, रोड वन पे, तो रोड वन पे पहले आपका रेड, देन येलो, देन ग्रीन, देन अगेन येलो. ठीक है. सो रेड वन इज टोटली कम्प्लीटली फर्स्ट ब्लॉक, देन रेडी, देन ओपन, देन रेडी. एंड सेम एज रोड टू पे, जब आपका रोड वन ब्लॉक है तो रोड टू विल बी ग्रीन, येलो, रेड एंड येलो. ये आपका सिचुएशन है. इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सर्किट को डिज़ाइन करना है. ठीक है. सो लेट सी द डिज़ाइन सर्किट ऑफ दिस. एक आपने लाइन ले ली, लाइन से एक स्विच ले लिया, लेट सम स्विच इज देयर. स्विच के बाद आपने एक एनसी स्विच डाल दिया. मैं लास्ट में पूरे ऑपरेशन को एक साथ बता दूंगा. दिस इज एनसी स्विच फॉर डी. और इस एनसी स्विच के साथ आपने एक टीडीआर सर्किट यहाँ पे लगा दिया. लेट दिस इज टीडीआर डिले ए. ठीक है. इस एनसी स्विच के बॉटम टर्मिनल से आपने एक एनओ स्विच दे दिया, सॉरी अगेन एनसी स्विच दे दिया. दिस इज ए. एंड इस एनसी स्विच से आपने चार सेट्स ऑफ सिग्नल्स को कनेक्ट किया. दिस इज फोर सेट्स ऑफ सिग्नल्स एंड दिस फोर सेट इज, लेट सपोज पहले आपने मूवमेंट किस पे दिया है, रोड वन पे. अगर रोड वन पे मूवमेंट आप दे रहे हैं, दिस इज रोड वन, रोड वन पे अगर आप मूवमेंट दे रहे हैं, तो रोड टू पे आपका रेड, रेड R1 एंड R3 विल बी रेड. सो यहाँ पे आपने नेम दे दीजिए R1 R3. और रोड वन पे मूवमेंट है, दैट मीन्स G2 एंड G4. सो G2 एंड G4 ये आपका मूवमेंट हो गया. अभी हम इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे. तो ये आपका बन गया रोड ए पे मूवमेंट के लिए. अब इसको ऑफ करके आप येलो का मूवमेंट या येलो सिग्नल ऑपरेट करेंगे. तो यहाँ पर आप एक एनसी स्विच दे दीजिए, सो दैट जब आपका टीडीआर ए ऑपरेट हो तो ये आपका ऑफ ऑन हो जाए, या सर्किट को दिस इज एनसी और एनओ. ओके, दिस विल बी योर एनओ स्विच. दिस विल बी योर एनओ स्विच. ठीक है. जब आपका TDR ऑन होगा वन, तब ये आपका ऑपरेट होगा. तब तक तो ये ऑफ ही कंडीशन पे रहेगा. तो इस एनओ स्विच से आपने एक कनेक्ट कर दिया TDR B. लेट दिस TDR B इज कनेक्टेड. और यहाँ के बॉटम टर्मिनल से आपने एक दूसरा सर्किट बनाया, और वहाँ पे एक आपने यहाँ दे दिया, दिस इज एनसी स्विच फॉर बी. और एक यहाँ दे दिया एनओ स्विच फॉर नेक्स्ट सी. और इनको आपने यहाँ पे ज्वाइन करा दिया. तो यहाँ पे आपने फोर सेट्स ऑफ सिग्नल दिए, फोर सेट्स ऑफ सिग्नल को आपने इससे कनेक्ट कर दिया. ठीक है. तो अभी क्या केस में क्या हुआ था कि आपने स्विच वन ऑन किया, ए विल एनर्जाइज, ए के एनर्जाइज होने के साथ ये आपका ऑन कंडीशन में है. तो दिस R1 R3 G2 G4 ये आपके ऑपरेट हुए, मूवमेंट ए पे स्टार्ट हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे रेड
और ग्रीन आपके ऑपरेट हो चुके हैं, रेड रोड ए जो है ब्लॉक है, रोड टू ए पे मूवमेंट है। नाउ नेक्स्ट केस में जब आपका ए 10 सेकेंड लेफ्ट 10 सेकेंड के बाद ऑपरेट करेगा, तो इसके ऑपरेट करने के बाद ये आपका ऑफ हो जाएगा और ये आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके ऑन होते ही ये आपका एनर्जाइज कर देगा TDR-B को, और TDR-B को एनर्जाइज करने के लिए चूंकि ये आपका ऑन कंडीशन में है या कहिए NC कंडीशन में है, तो यहाँ पर आपके येलो सिग्नल्स ऑपरेट करेंगे, दीज आर येलो सिग्नल्स। अब ये येलो सिग्नल्स चूँकि चारों अप्रोचेस पे हैं, ईच ऑफ फोर अप्रोचेस पे हैं, तो ये यहाँ पे ऑपरेट करेंगे। सो दिस इज़ Y4, Y2 पे मूवमेंट को ये रेडी करेंगे, एंड Y4 को यह सिग्नल चेंज होने के लिए सिग्नल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका येलो वाला भी आपका ऑपरेट हो गया। नाउ नेक्स्ट केस में हम रोड वन पे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, रोड टू को ब्लॉक करेंगे। तो जब आप रोड टू को ब्लॉक करेंगे, रोड वन पे मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट केस में आप रोड वन पे ब्लॉक करेंगे, रोड टू को मूवमेंट करेंगे। तो जब रोड टू पे मूवमेंट करेंगे, रोड वन को ब्लॉक करेंगे, दिस विल बी लाइक दिस, दिस ठीक है। तो जब आप रोड वन पे मूवमेंट को ब्लॉक करेंगे, तो रोड वन विल बी रेड, रोड वन पे R4 और R2, R4 और R2 विल बी ब्रेक। तो नेक्स्ट सर्किट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपने NO स्विच डाल दिया B का, क्योंकि जब B आपका ऑपरेट होगा तभी ये आपका ऑन होगा। तो जब तक आपका येलो सिग्नल चल रहा है तब तक ये बी ऑन नहीं होगा, जैसे आपका TDR 10 सेकंड के बाद एक्टिवेट होगा ये सिग्नल आपका ऑन हो जाएगा। और इससे आपने एक दे दिया TDR-C और इसके टर्मिनल से आपने दे दिया एक सॉरी ये NC स्विच दीजिए TDR-C, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चार सिग्नल्स देने हैं, सो मूवमेंट अभी हमारा क्या है, रोड वन ब्लॉक है, रोड टू पे मूवमेंट है। तो रोड वन ब्लॉक का मतलब है R2 एंड R4 विल बी देयर, एंड रोड वन पे रोड टू पे मूवमेंट का मतलब G1, दिस G1 एंड दिस G3, इन पे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं हम, और यहाँ पर मूवमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं। तो दिस इज G1 G3, तो ये आपका हो गया जब आपने रोड टू पे मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। नाउ इस केस में क्या होगा, जब 10 सेकंड के बाद ये ऑपरेट कर रहा था तो ये आपका ऑन हो गया, इसके एनर्जाइज होते ही सी विल बी इन एनर्जाइजिंग मोड, और ये आपका सर्किट यहाँ पर इन सिग्नल्स को ऑपरेट कर रहा है। नाउ जब आपका सी 10 सेकंड पे ऑपरेट करेगा, दैट इज इंटरेस्टिंग, जब सी आपका ऑपरेट करेगा तो यहाँ आपने एक NC स्विच दिया हुआ है सी, वो आपका शॉर्ट कर जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आपने एक डिले स्विच दिया है TDR दिया है डी, ये आप न्यूट्रल से सबको आपने कनेक्ट कर दिया, ऑल आर कनेक्टेड विद न्यूट्रल, ठीक है। हाँ तो 10 सेकंड के बाद जब आपका सी आपका ऑन होगा, तो सी ऑन होने के बाद ये आपका शॉर्ट हो जाएगा और डिले सर्किट डी आपका एनर्जाइज हो जाएगा, और इसके साथ आपका ये शॉर्ट हो जाएगा। इसके शॉर्ट होने के बाद जब आपका ये ऑन हो गया तो ये सिग्नल आपके ब्रेक हो गया। तो अब इस कॉम्बिनेशन के बाद फिर से आपका येलो कॉम्बिनेशन आएगा, तो जैसे ही आपने इसको शॉर्ट किया आपका येलो आपके सिग्नल ऑपरेट कर जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली ऑपरेशन ऑफ दिस क्रॉसिंग ऑफ रोड सिचुएशन, जिसमें आपने रेड येलो ग्रीन तीनों सिग्नल को सिक्वेंसली मोड पर चारों अप्रोचेस पे ऑपरेट कराया है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग ऑल दीज 3 सर्किट्स, प्लीज़ कमेंट मी इन अ चैट बॉक्स,
एंड आई विल मेक श्योर दैट मैं इन आपके इन क्वेरीज को रिमूव कर सकूं. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग मी एंड वॉचिंग माई वीडियोज़. थैंक यू.